नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। सभी का स्वागत है नवजुन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी 4-5 दिनों के अंदर सभी कह रहे हैं कि हमें एक आसमान के अंदर एक प्रकार का तारों का एक समूह यानी तारों की एक ट्रेन जाती हुई नजर आ रही है। आज राजस्थान के अंदर अपने भी गांव में और हरियाणा के अंदर भी देखने को मिली, और 2 या 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ये देखने को मिली। तो क्या इनका माहौल है, क्या ये चीज है? तो आपको बता देता हूँ कि दुनिया के सबसे जो अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, उनका ये सैटेलाइट छोड़ा गया यानी कुछ विशेष प्रक्षेपण करने के लिए, परीक्षण करने के लिए ये जो सैटेलाइट है वो आसमान के अंदर छोड़े गए। ये कुछ अब देखो कम हो रहे, अभी राजस्थान में पहुंचा है तो कम हो गए, लेकिन बहुत लंबी कतार है इस ट्रेन की यानी एक सैटेलाइट की, ये छोड़ी गई है। तो ये राजस्थान से होते हुए आसमान में छोड़ी गई है। जब उनका ये अपना एरिया कंप्लीट हो जाता है तो अपने आप गायब हो जाएगी, इसी कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं रहेगी। तो कुछ कह रहे हैं कि ब्रह्मांड में कुछ अलग घटना हो रही है, क्या है ये, कोई अलग कोई सितारा आ गया है, क्या तारा है। कोई कोई कह रहे हैं पुंसल तारा। पुंसल तारा इस प्रकार नहीं होता है। पुंसल तारा क्या होता है, जैसे अपने हवाई जहाज चलती है ना, तो हवाई जहाज क्या करती है, जो रॉकेट होती है वो पीछे धुआं फेंकती है, उसी प्रकार का ये पुंसल तारा होता है। तो ये एक प्रकार का लोगों के मन के अंदर भय बना हुआ था कि ये जो अभी ट्रेन से हमें आसमान में दिखाई दे रही है यह क्या है। तो मैंने बता दिया है कि एलन मस्क के द्वारा छोड़ा गया सैटेलाइट है जो हमें लगभग 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आपको आसमान में प्रतीत होने लग जाएगा, और इसकी रोशनी है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि सरू के अंदर इनकी रोशनी अच्छी थी। जो उत्तर प्रदेश वाला वीडियो वायरल हो रहा है उनमें रोशनी अच्छी है, लेकिन अभी आज के और कल की बात करूँ इसकी रोशनी भी कम हो रही है। तो आपको टेंशन और घबराने की बात इसके अंदर है नहीं, ये एक सैटेलाइट है, ये कुछ खोजों के लिए या उनको छोड़ा गया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात और नहीं रहेगी। तो आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक बार अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।